नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़दी कला डैम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं स्पेड न्यूज। आज से शारदीय नवरात्रि की शुरुआत हो गई है। नवरात्रि के पहले दिन देश भर के मंदिरों में भक्तों का तांता लगा हुआ है। नवरात्रि में 9 दिनों तक मां भगवती के 9 स्वरूपों की पूजा आराधना की जाती है। हिंदू धर्म में ये बेहद महत्वपूर्ण त्यौहार माना जाता है। वहीं शारदीय नवरात्रि के पावन अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा सहित केंद्रीय मंत्रियों सहित तमाम नेताओं ने देशवासियों को नवरात्रि की शुभकामनाएं दी हैं। इस पावन पर्व पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को नवरात्रि की शुभकामनाएं दी। पीएम ने कहा कि नवरात्रि को आप सभी को अनंत शुभकामनाएं। श्रद्धा और भक्ति का यह पावन पुनीत अवसर देशवासियों के जीवन को सुख संपदा और सौभाग्य से रोशन करे। प्रधानमंत्री ने माँ दुर्गा से सभी के जीवन में सुख समृद्धि सौभाग्य और उत्तम स्वास्थ्य प्रदान करने की प्रार्थना भी की। नवरात्रि के प्रथम दिवस पर पीएम मोदी ने माँ शैलपुत्री के चरणों में शीश नवाते हुए वंदन किया। उन्होंने नागरिकों के लिए शक्ति और समृद्धि की भी कामना की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी नवरात्रि की शुरुआत माड़ी नाम से एक नया गाना जारी करके की है। पीएम मोदी ने बताया कि उन्होंने इस गीत के बोल लिखे हैं, जिसे दिव्य कुमार ने अपनी आवाज दी है। मीट ब्रदर्स ने इस गाने को कंपोज किया है। यह गाना गुजराती में गाया गया है, जो 9 दिवसीय नवरात्रि उत्सव की शुरुआत करने के लिए एकदम सही गरबा सॉन्ग है। माड़ी दूसरा गाना है, जिसे पीएम मोदी ने इस साल नवरात्रि के लिए लिखा है। उन्होंने खुलासा किया कि गरबो नाम से एक और गाना उन्होंने लिखा है। मेरे द्वारा लिखे गए गरबा सॉन्ग को साझा करते हुए खुशी हो रही है। उत्सव की लय को सभी को गले लगाने दें। इस मौके पर पीएम ने दिव्य कुमार का इस गरबा को आवाज देने और संगीत देने के लिए मीट ब्रदर्स का धन्यवाद किया। इसराइल के आदेश के बाद उत्तर गाजा से फिलिस्तीन के लोगों ने दक्षिण की ओर जाना शुरू कर दिया है। इस बीच संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुतरेस ने इसराइल के गाजा पट्टी 24 घंटे में खाली करने के आदेश पर कहा है कि इतने कम समय में इस तरह से किसी इलाके को खाली कराना मानवीय लिहाज से बहुत ही विनाशकारी साबित हो सकता है। इसलिए उन्होंने इसराइल से अपने आदेश पर पुनर्विचार करने का अनुरोध किया है और बताने का प्रयास किया है कि हालात को वास्तव में कैसे देखा जाना चाहिए और समस्या कितनी नाजुक और संवेदनशील है। गुतरेस ने इस आदेश को अमल में लाने पर पैदा होने वाले हालात और उनके नतीजों पर एक चिंता जाहिर की है। एंटोनियो गुतरेस ने बताया कि हालात पहले से ही खतरनाक हैं और इस कदम से और बिगड़ जाएंगे। उन्होंने कहा कि यह आदेश करीब 11 लाख लोगों के साथ ऐसे इलाके पर लागू हो रहा है जो पहले ही हवाई बमबारी और कैद झेल रहे हैं, जहाँ का बुनियादी ढांचा पहले ही खासा नुकसान झेल रहा है। यह सब पलायन को और ज्यादा मुश्किल बनाने का काम कर रहा है। यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने इसराइल पर हमास द्वारा किए गए हमले की निंदा की है। हमास ने पिछले हफ्ते इसराइल के कई नागरिकों को बंधक बना लिया और नागरिकों की हत्या कर दी। उसके बाद के सप्ताह में इसराइल ने गाजा पर बमबारी करके जवाबी कार्रवाई की है, जहां से आतंकवादियों ने हमला शुरू किया था। वहीं इसराइल हमास जंग के बीच बोलते हुए यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री सुनक ने इसराइल का साथ देते हुए कहा कि हम इसराइल के साथ खड़े हैं, न केवल आज, न केवल कल, बल्कि हमेशा। और मैं आपके ब्रिटिश यहूदी समुदाय के साथ खड़ा हूं, न केवल आज, न केवल कल, बल्कि हमेशा। सुनक ने यह भी कहा कि उन्हें पता है कि आने वाले दिन और सप्ताह बहुत कठिन होंगे। उन्होंने ये कहा कि एक सप्ताह पहले इसराइल में हुई भयावहता और बर्बरता को शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। इस दौरान यूके के पीएम ने हमलों के पीड़ित सभी लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त की। भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ महामुकाबले में 7 विकेट से एक तरफा जीत दर्ज की है। मैच से पहले क्यास लगाए जा रहे थे कि यह एक बड़ा मुकाबला होने वाला है, लेकिन भारत के गेंदबाजों के सामने पाकिस्तान के बल्लेबाज फिसड्डी नजर आए। भारत की जीत पर देश भर में जश्न का माहौल है। जम्मू कश्मीर में भी पाकिस्तान की हार और भारत की जीत पर जश्न का माहौल है। जम्मू में लोगों ने तिरंगा फहराकर और पटाखे चलाकर जश्न मनाया। लोग सड़कों पर उतरकर भारत की जीत का जश्न मना रहे हैं। इतना ही नहीं, जम्मू वासी हाथ में तिरंगा लेकर फहराते हुए नजर आए। बता दें कि साल 2019 में केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाया था। इसके बाद जम्मू कश्मीर में बड़े बदलाव देखने को मिले हैं। विश्व कप में 1992 के बाद से भारत की पाकिस्तान पर यह लगातार 8वीं जीत है। इस जीत के साथ भारत अंक तालिका में भी रन रेट में न्यूजीलैंड को पछाड़कर 3 मैचों में 6 अंक के साथ शीर्ष पर पहुंच गया है। वहीं पाकिस्तान टूर्नामेंट में पहली हार के बाद चौथे स्थान पर है। पाकिस्तान के खिलाफ हुए इस महा मुकाबले में भारत की जीत पर पीएम मोदी ने भी बधाई दी है। पंजाब सरकार का मिशन रोजगार जारी है। सरकार नौजवानों को नौकरियां देने की ओर कदम बढ़ाती चली जा रही है। इसी कड़ी में सीएम मान ने आज 304 नौजवानों को ज्वाइनिंग लेटर सौंपे। चंडीगढ़ में म्युनिसिपल भवन में आज ये समागम हुआ। बता दें कि ये नियुक्तियां अलग अलग विभाग में की जा रही हैं। सीएम मान ने नई नियुक्तियों के तहत गृह विभाग, माल विभाग और ट्रांसपोर्ट विभाग में नौजवानों को ज्वाइनिंग लेटर सौंपे। सीएम मान ने कहा कि उनका उद्देश्य है कि पंजाब के नौजवान
विदेशों में ना जाएं और पंजाब को ही रंगला पंजाब बनाएं। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि अब तक 37,100 नौकरियां दी जा चुकी हैं। उत्तर प्रदेश में गौतम बुद्ध नगर की पुलिस ने आज 15 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक जनपद में धारा 144 लागू कर दी है। इस दौरान बिना अनुमति के कोई सभा और कार्यक्रम करने और जुलूस निकालने पर प्रतिबंध रहेगा। आदेश के अनुसार पुलिस की अनुमति लिए बिना सार्वजनिक स्थान पर नमाज पूजा या किसी अन्य धार्मिक गतिविधियों की इजाजत नहीं मिली है। उन्होंने बताया कि विवादास्पद स्थान पर पूजा और नमाज सहित धार्मिक गतिविधियों की अनुमति नहीं दी गई। ये फैसला नवरात्रि तथा कार्यक्रमों के मद्देनजर लिया गया है। आज 15 अक्टूबर से शुरू हुए नवरात्रि के अलावा 23 अक्टूबर को महाराजा अग्रसेन जयंती, 24 अक्टूबर को दशहरा और 28 अक्टूबर को महर्षि वाल्मीकि जयंती है, जबकि 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल और आचार्य नरेंद्र देव की जयंती है। इन कार्यक्रमों के मद्देनजर सुरक्षा और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रशासन ने 15 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक धारा 144 लागू कर दी है। कांग्रेस ने मध्य प्रदेश विधानसभा की 144 सीटों के लिए आज रविवार को उम्मीदवार घोषित किए हैं, जिसमें प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कमलनाथ, विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह और कई अन्य वरिष्ठ नेताओं के नाम शामिल हैं। नवरात्रि के पहले दिन कांग्रेस की ओर से जारी सूची के अनुसार पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ छिंदवाड़ा विधानसभा क्षेत्र से ही चुनाव लड़ेंगे। वर्तमान में भी वही सीट का प्रतिनिधित्व करते हैं। वहीं मध्य प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह को भी उनके वर्तमान विधानसभा क्षेत्र लहार से उम्मीदवार बनाया गया है। प्रदेश में सत्तारूढ़ भाजपा अब तक 136 सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नाम घोषित कर चुकी है। मध्य प्रदेश के 230 सदस्य विधानसभा के आगामी चुनावों के लिए 17 नवंबर को मतदान होगा, जबकि मतों की गिनती 3 दिसंबर को की जाएगी। मुंबई नागपुर समृद्धि एक्सप्रेसवे पर बैजापुर के पास एक तेज रफ्तार बस के ट्रक से टकरा जाने के कारण कम से कम 12 लोगों की मौत हो गई, जबकि 23 अन्य घायल हो गए। पुलिस ने यह जानकारी देते हुए बताया कि हादसे के शिकार बस में कुल 35 लोग सवार थे। बस तीर्थ यात्रा के बाद बुलडाना से छत्रपति संभाजीनगर औरंगाबाद होते हुए नासिक जा रही थी और ट्रक बुलडाना से छत्रपति संभाजीनगर आ रहा था, लेकिन राजमार्ग के किनारे ट्रक कुछ देर के लिए रुका हुआ था कि अचानक बस ने उसे पीछे से टक्कर मार दी। दुर्घटना में कम से कम 12 यात्रियों की मौत हो गई और 23 अन्य घायल हो गए। मृतकों में 5 पुरुष, 6 महिलाएं और एक नाबालिग लड़की शामिल है। मौके पर पहुंची पुलिस ने फौरन घायलों को अस्पताल पहुंचाया, जहां उनका इलाज जारी है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी करते हुए वहां के कुछ इलाकों में तीव्र पश्चिमी के प्रभाव के कारण अगले 2 से 3 दिन तक भारी बारिश और बर्फबारी होने की चेतावनी दी है। आईएमडी के मुताबिक यह मौसम का पहला तीव्र पश्चिमी विक्षोभ है और उत्तर पश्चिम और मध्य भारत में आगामी 17 अक्टूबर तक इसका असर देखने को मिलेगा। आईएमडी के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से पंजाब में भी सोमवार को भारी बारिश हो सकती है। इसके अलावा उक्त अवधि में जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान के कुछ हिस्सों में आंधी और बिजली कड़कने के पूर्वानुमान है। फिलहाल स्पीड न्यूज में इतना ही, और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़दी कला टाइम टीवी।